शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार महीना बीत गए मजे से साली की लू घंटे दो चार की साली के मजे ले रहे हैं लल्लन पेलू रड़ुआ लल्लन पेलू कही तो पता रहे घूम रहे समो पहुंच जाए तुम गुस्सा का एक कर रहे हो तो क्या रड़ुआ का गुस्सा नहीं आया गुस्सा का कर रहे हो तो बड़े कितने हमारी कितनी भाई भाई हमारी शादी में अभी बाकी है घंटे दो चार मजे से साली की लू साली की लू खेतन खेतन जाए रात में लेके साइकिल कोई ना देख पाए रात में ले नाम ले बराबर कही तो हाल तो तुम कही रहे थे 30-35 साल बड़े बस 30-35 साल कही थी लला तेरी उम्र कितनी है 20 साल 25 साल 20 कितने होते 50 साल है रड़ुआ ही मरे भी सारे अरे यार जन कहूँ तो दवाड़ी वाले ने यार यहाँ टोलटा सी कही थी तो वहीं से घुराऊ तो दिख ही नहीं रहो यार का करे मैं तो थक गया यार चलते चलते यार तो यहाँ कोई दिखाया तो आपको पूछे हाँ लल्लन पेलू को चलो यार पूछ रहे आगे मुड़ तो भैया जी आई गई मुड़ जाए यही देखो कोई देख रहे कुछ चलो वो लड़का खड़ा हो भाई देख रहे चले हाँ पूछ रहे चले वो ही बच्चा है क्या कह रहे भैया यार लल्लन पेलू का घर कहाँ पे यार कौन से लल्लन पेलू अरे भाई की यार डबंदला हवेली घड़ी है पांच छह भैंसिया है यार वहाँ पे भाई गाँव में तो पप्पू पेलू पे भैंसिया हैं अरे भैया वो रड़ुआ ना है यार रड़ुआ अच्छा बे लल्लन पेलू अच्छा बिना ब्याह ना है वो तो बे तो हम बता रहे थे देखो यहाँ से सीधे गयो सीधे गयो इतने मत मुड़ियो ना इतने मत मुड़ियो आगे जाके इतने मुड़ियो फिर आगे जाके इतने मुड़ियो फिर नाक की सीध लियो नाक की सीध दिखाई दे रही बड़ी वहां जाके हवेली सी बनी होगी हवेली सी बनी होगी बाकी जस्ट बगल में उनकी भैंसिया बनी होगी सीधे जाइयो सीधे जी नाक की सीध दिख रही तुम्हारी नाक की सीध यहाँ से सीधे जाइयो सीधे जाएंगे इतने मत मुड़ियो इतने मत मुड़ियो आगे ने चलेगा पांच छह कदम कैसे आगे पांच छह कदम चलेगा फिर इतने मत मुड़ियो तुम्हारी आगे जाएंगे एक कदम पे जाएंगे फिर नाक की सीध पकड़ लियो तो आज पहुंचे बीच में मत बोल ठीक है हम भूल जी फिर हम बताए नाए पे तो ठीक है सुन तो आगे चल के फिर सीधे जाइए सीधे जाए जाएंगे
अरे ना वो तो बहुत छोटे आदमी की है, अब आगे देख पास में जाएंगे। दस बारह भैंसियाँ बनी होगी, दस बारह भैंसियाँ बनी होंगे कम, और एक झोपड़ी की डरी होगी। माँ जाएगा मई पूछ ली का लल्लन पेलू घर कौन सा है, मई जाए पूछो भाई बताए दे को है। ठीक है भैया तुमने एड्रेस बताया तो मन सुन लो भैया सुन लो यार तुम्हें पता है इनको कहां पे बताओ तो एड्रेस। भैया हमें तो कछुना बागी पल्ले परी ओए कछुना परी अब चलो आगे फिर कहूं तो पूछे चले चल पूछ लेंगे यार। परेशान करके रख दो मैंने। भैया पहलू तुम आई हो का तुम्हें और कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें नहीं नहीं भैया शादी का नहीं आए। अरे बैठो 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 और क्या करता हो भैया यार। देखो भैया बाहर को सब काम छोड़ के घर को सब काम करते हैं, सब काम कर ले सब काम। देखो भैया रोटी ले लो पानी ले लो मतलब झाड़ू पोछा बस पाए भाई सात आठ बैठिया गई सबन का काम हम ही अकेले करते हैं। तो भैया पानी मिली है ना। अरे कैसी बात करे भैया तुम्हारे घर पानी हम लेके आए रहे भैया यहाँ तो हवेली बताई थी ये तो शमशान घाट छोड़ गए। अरे यार लड़का तो ठीक ठाक हुए काम धंधो तो कर ही है। हाँ जगुआ तुम्हारी खैर है सही है। हाँ बस और कहा चाहिए का है तुम्हें आए भैया भाई और हाँ भैया तुम्हें जाके अलावा कोई मिलो ही नहीं। अरे भैया लड़का बताओ तो ये नंबर वन को आराम ही है। अरे ब्याह तो हो ही नहीं रहो। आओ ब्याह के लालच में पूरे दिन काम करते रहे तू है। ऐसी बात है ऐसी बात है गन्ना ही देख रहे तुझे हवेली है खंडर हुए क्या कह रहे हो और कोई नहीं मिलो आस पास गाँव में मैं ही देख लेते। ओह नो सही है, है? अब तुम्हारी इच्छा है मैंने तो इंसानियत के नाते बताई दो करो तो कर दियो। ठीक है चल रहे हम देख भैया देखे वो अजय के तो सही रहो तो यार काम तो कर कोई तो कत्तो रुपया अटका कहां पे आए जाते। चलो होए वो ब्याह खाओ। अरे नहीं रे चलो निकल लो पतरी गली निकल लो पतरी गली से। अरे जे काम है जगह यार हम तो पानी की क्या क्या थे घर में पानी लेके आ रहे थे। अरे कहां जा रहे हो भैया अरे अच्छा लगा होगा तू तू बोल आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें। थैंक यू।